मिस कैथरीन मेयो की वर्ल्ड बेस्ट सेलर बुक मदर इंडिया के पिछले एपिसोड में हमने अलग अलग ट्रैवलर्स के ट्रैवलॉग के माध्यम से इस बात के ऊपर चर्चा करी थी कि भारत में मुगल शासन के दौरान किस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था थी और उस समय भी आम जन जो था वो कितना बदहाली से जूझ रहा था, साथ ही दासों की क्या स्थिति थी उसके ऊपर भी हमने चर्चा करी थी। तो इन सभी चर्चाओं को हमने पिछले एपिसोड में लिया था और आज हम चर्चा को यहाँ से आगे लेकर चलेंगे और जानेंगे कि भारत में यूरोपीय उपनिवेश किस तरह से बनने शुरू हुए, किस तरीके से यूरोपियों का आगमन भारत में हुआ, उनके आपसी संघर्ष हुए और भारत में सत्ता स्थापित करने के दौरान उनसे कहां कहां क्या क्या चूक हुई, गलतियां हुई, इन सब चीजों के ऊपर आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए मेरे साथ जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। अब थोड़ी चर्चा भारत में यूरोपीय शक्तियों के इतिहास पर करते हैं। अकबर के राज्यारोहण के समय 1556 तक पुर्तगालियों की जड़ें पहले ही जम चुकी थी और वे गोवा में प्रायद्वीप के पश्चिमी तट पर उस घेरे हुए क्षेत्र पर डटे हुए थे जिसे उन्होंने दक्कन के मुसलमान रजवाड़ों से लिया था। उधर से वे अरब सागर और फारस की खाड़ी के व्यापारिक यातायात पर नियंत्रण रखते थे। देश में अभी तक किसी भी अन्य यूरोपीय शक्ति का आधार सुरक्षित नहीं हुआ था और न ही अभी तक किसी अंग्रेज के कदम भारत की धरती पर ही पड़े थे। फुटनोट 12, ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया पेज 348। पुर्तगाली शीघ्र ही भ्रष्टाचार और क्रूरता के रास्ते पर चलकर कमजोर हो गए। इस प्रकार उनका पतन 1600 के आरंभ में ही हो गया था और केवल गोवा को छोड़कर सारी पुर्तगाली बस्तियां डचों के हाथों में आ गई थी। उस काल में डच और अंग्रेज व्यापारी सामान्य रूप से पूरब से व्यापार करने के इच्छुक थे, किंतु डच लोगों की मुख्य रुचि जावा और स्पाइस द्वीपों, विदिन ब्रैकेट 17वीं सदी में स्पाइस संघर्ष में कई द्वीप समाप्त हो गए थे, ब्रैकेट क्लोज, के साथ व्यापार करने की थी, जबकि उनके अंग्रेज प्रतिद्वंद्वी भारत में व्यावहारिक रूप से अकेले पड़ गए थे। साहसी अंग्रेज व्यापारियों को रानी एलिजाबेथ और मुगल साम्राज्य द्वारा विशेष अधिकार और सुविधाएं प्रदान की गई थी और अब उन्होंने समय समय पर पश्चिमी समुद्र तट के पास व्यापार के केंद्र स्थापित कर लिए थे। बंगाल की खाड़ी में उनकी तैनाती प्यूरिटनों के द्वारा बोस्टन के निपटारे से 5 साल पहले तक रही थी। 9 साल बाद भारत में अंग्रेजों को ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए संपत्ति रखने का पहला मालिकाना अधिकार स्थानीय हिंदू राजा, गवर्नर और लंदन की कंपनी ऑफ मर्चेंट्स के बीच हुई संधि के तहत मिला था। तो मतलब यहाँ के राजाओं ने शुरू से ही अपने मतलब के लिए विदेशियों को न्योता दिया है, यानी कि आफत को न्योता देते रहे हैं ये लोग अपने फायदे के लिए। पहले अपना फायदा होता है, फिर उनके गुलाम बन जाते हैं ये लोग। इस संधि के द्वारा कंपनी ऑफ मर्चेंट्स को किराया लेने और मद्रास शहर के समुद्र तट को व्यापारिक चौकी के रूप में मजबूत करने की अनुमति दी गई थी। यहां वर्तमान में कंपनी की ओर से मैसाचुसेट्स में बोस्टन के एलिहू येल गवर्नर के रूप में आए थे। यहां कनेक्टिकट विश्वविद्यालय को लाभ पहुंचाने के लिए आज भी उनका नाम उससे जुड़ा है और यहां उस पुराने मकान में जहां मद्रास के अंग्रेज गवर्नर अभी भी रहते हैं, एलिहू येल का चित्र टंगा हुआ है जिसमें वे घटनास्थल पर अपने मजदूरों को गंभीरतापूर्वक देख रहे हैं। 17वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी व्यापारी भी भारत से व्यापार के इच्छुक थे, जिनके कई छोटे छोटे आधार केंद्र दक्षिणी तट के पास सुरक्षित थे। उनका व्यवसाय अंग्रेजों के बराबर का कभी नहीं था, परंतु उनकी आकांक्षाओं और यूरोप में राष्ट्रीय संघर्ष ने उनको समान रूप से छोटे भारतीय राजाओं की अंग्रेज विरोधी साजिश के नेतृत्व के साथ मिला दिया था, जिसका परिणाम अलग अलग युद्धों में हुआ। इसीलिए जब न्यू इंग्लैंड और न्यूयॉर्क के अंग्रेज उपनिवेशवादी भारतीय सहयोगी दलों की मदद से भविष्य को नियंत्रित करने के लिए फ्रांसीसी और भारतीय युद्ध में लड़ रहे थे, तो विश्व के दूसरी तरफ अंग्रेज उपनिवेशवादी भी इसी उद्देश्य के साथ भारतीय सहयोगी दलों की मदद से फ्रांसीसी और भारतीय युद्ध में लड़ रहे थे। फुटनोट 13, फुटनोट बाद में पढ़ती हूँ, लेकिन इसका मतलब यह है कि जब अंग्रेजों के पीछे पीछे फ्रांसीसी भी भारत की सरजमी तक आ गए व्यापार करने के उद्देश्य से, लेकिन अंग्रेजों की देखा था कि उन्होंने भी यहाँ पर कॉलोनीज बनाने की अपनी पूरी कोशिश करी, जिसमें उनको इनिशियल स्टेज पर सफलता भी मिली, लेकिन जल्द ही व्यापार की जो प्रतिस्पर्धा है वो आपसी मनमुटाव में बदल गई और एक दूसरे के खिलाफ युद्ध करते हुए यहीं के राजाओं ने दोनों ही व्यापारियों का, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी व्यापारियों का सहयोग किया। जब अंग्रेज फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ते थे तो यहाँ के राजा ही उनको
सपोर्ट किया करते थे, और वही हाल फ्रांस का जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के समय भी होता था। तो दोनों का सहयोग जो है यहीं के स्थानीय राजाओं रजवाड़ों ने किया, उसी की बदौलत ये देश एक बार फिर औपनिवेशिक काल में चला गया। फुटनोट 13 अब मैं पढ़ रही हूं। अमेरिकियों के रूप में हमें ये कहने में गुरेज नहीं है कि हमने अपने आदिम निवासी भारतीयों को समाप्त करने के लिए काफी कुछ किया है और उन पर अपना अभिभावकत्व कायम रखते हुए उन्हें अभी 1924 में ही नागरिकता दी है। विद इन ब्रैकेट यूनाइटेड स्टेट्स बनाम नीस 241 यूएस 598 1996, जबकि हमारे ब्रिटिश भाइयों ने अपनी संख्या में काफी वृद्धि की है और बड़ी एवं बढ़ती संख्या में स्वशासन के पथ पर वे ले गए हैं। तो इन सब चीजों के बारे में आप जो है वो गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि यूएस वर्सेस नीस क्या था, तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। यहां इस एपिसोड में मैं बहुत ज्यादा नहीं समझा सकती इस चीज को। जो संघर्ष 1746 में खुलेआम शुरू हुआ था, अब फ्रांस ने मद्रास को कब्जे में ले लिया था, वह 1761 में तब समाप्त हुआ जब फ्रांस ने बिना शर्त अपना मुख्यालय पांडिचेरी को सौंप दिया और इस प्रकार भारत में उनके प्रभाव का अंत हो गया। 18वीं सदी में भारत में अंग्रेजी संपत्तियां मद्रास में कुछ वर्ग मील तक बंबई द्वीप में और 3 या 4 अन्य जगहों पर सीमित थी। इस दौरान अंग्रेज प्रतिनिधियों ने भारत में स्थानीय लड़ाइयां और राजनीति से दूर रहते हुए खुद को सिर्फ व्यापार तक सीमित रखा था, किंतु सम्राट औरंगजेब की मृत्यु और मुगल साम्राज्य के पतन के साथ ही लूट एवं अराजकता देश भर में फैल गई। तो इससे ये बात भी कहीं ना कहीं साबित होती है कि जो मुगल शासक थे उनकी बदौलत ही अंग्रेज जो हैं वो इतनी बड़ी तादाद में अपने उपनिवेश स्थापित नहीं कर सके थे। मुगल शासक जो थे वो उनकी बढ़ती हुई जो पावर है उसको कहीं ना कहीं ब्रेक करते थे। तब कंपनी ने अपने उपनिवेशों की सुरक्षा के लिए भारतीय सहायकों की मदद से यूरोपीय सेना को नियुक्त किया था। तो मुट्ठी भर अंग्रेज, शुरुआत में ही फर्स्ट पार्ट में ही कैथरीन इस बात को लिखती हैं कि मुट्ठी भर अंग्रेज जो हैं पूरे भारत पर शासन नहीं कर सकते थे। यहाँ के लोगों का सहयोग उनको भरपूर मिल रहा था यहाँ अपना साम्राज्य फैलाने के लिए। उसी समय से वे शासकीय निगम का दर्जा पाने की ओर बढ़ी। 1784 में संसद के कानून से ब्रिटिश सरकार ने कंपनी की कार्यप्रणाली पर नियंत्रण का अधिकार प्राप्त कर लिया। इस तरह के अधिकार के साथ अब कंपनी अपनी गतिविधियों का विस्तार कर सकती थी और अराजकता से भरे देश में शांति स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ सकती थी। इसका अर्थ दस्यु गिरोहों, उनके सरदारों और प्राचीन मुगल शासक के कप्तानों की लूट की व्यवस्था को कम करना था। तो प्राचीन मुगल शासक भी किस तरह से इस देश को लूट रहे थे इसकी भी यहां मेंशन किया है कैथरीन ने। जो अब बेरोजगार होकर पलायन करने वाली मधुमक्खियों की तरह झुंड बनाए हुए नए राज्यों और लूट के नए क्षेत्रों की तलाश में घूम रहे थे। इसका अर्थ छोटे राज्यों के राजाओं को भी भाड़े की गिरोहों को भर्ती करने और अपने पड़ोसियों के विरुद्ध युद्ध करने के उनके अनुवांशिक व्यवसाय से रोकना था। कितना बढ़िया तरीके से यहाँ के राजा रजवाड़ों के आपसी द्वेष को यहाँ पर कैथरीन ने कोट किया है कि ये लड़ना उनका तो पुश्तैनी काम था, अनुवांशिक काम था, पीढ़ी दर पीढ़ी हेरिडिटरी। जैसे हम लोग कहते हैं ना, बीमारी जो है वो हेरिडिटरी होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसमिट होती चली जाती है, वैसे ही ये जो लड़ाई थी ये एक बीमारी की तरह इनके वंशजों में चलती ही रहती थी। इन कदमों का आग्रह इस देश के रजवाड़े खुद करते थे और इसके कारण ज्यादा भूभाग ब्रिटेन प्रभाव में आ जाते थे और इस वजह से इस देश में एकता की स्थिति बनी। तो इस देश को पूरा एक सूत्र में बांधने का जो क्रेडिट है वो अंग्रेजों को ही जाता है। उससे पहले ये छोटी 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 रियासतों के तौर पर ही जाना जाता था। एक बार शांति स्थापना का काम अच्छी तरह हाथ में ले लेने के बाद उन्होंने नागरिक संस्थाओं और जन सुविधाओं के निर्माण का प्रयास किया और कानून की उस न्यायपूर्ण व्यवस्था को स्थापित करने का काम शुरू किया जिससे ये देश हजारों वर्षों से अपरिचित था। न्याय व्यवस्था यहाँ कभी नहीं थी, चाहे शासन हिंदू राजाओं का हो चाहे शासन मुगल राजाओं का रहा हो। कंपनी अभी भी व्यापार के मुख्य
व्यस्तता के साथ व्यापार ही कर रही थी, पर अब उसने जनता के कल्याण की इस जिम्मेदारी को भी स्वीकार कर लिया था। मानव प्रगति की दो सदियों की दरार को पाटने वाले मानवीय उपक्रम ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम कभी कभी गलत अनुमानों या अयोग्य दलालों की वजह से धुंधला हो गया था। इसमें से कुछ दबंग थे, कुछ उदंड, कुछ ढुलमुल, इनमें एक या दो घटिया थे, कुछ ने भ्रष्टाचार के आगे घुटने टेक दिए थे, किंतु उनके दोष भी कम मूर्खतापूर्ण भरे नहीं थे। मतलब हर तरह के लोग आपको हर जगह मिल जाएंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी में भी कई तरह के भ्रष्टाचारी वॉयसरॉयस थे, कुछ मूर्ख थे, कुछ उदंड थे, जिन्होंने रानी के शासन को भी नकार दिया, अपनी मनमानी से यहाँ पे काम वो करते रहे। लेकिन बावजूद उसके ईस्ट इंडिया कंपनी का इतना प्रचार प्रसार हुआ, ब्रिटेन का साम्राज्य यहाँ पर पूरी तरीके से स्थापित हुआ। कंपनी के लिए सम्मान की बात यह थी कि उसके पास ईमानदार अधिकारी थे। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ईमानदार अधिकारियों के दम पर कंपनी का शासन इतना बड़ा फैल सका। जैसे जैसे समय गुजरा, एक ज्यादा संवेदनशील आम विवेक ने उसे आत्मलोचनात्मक विचारों के प्रति तेजी से सचेत कर दिया। उसके मामलों पर संसद में चर्चा होने लगी और विश्व मानकों में सामान्य वृद्धि के साथ उसके प्रशासन के मानक भी ऊंचे हो गए। तो संसद में किसी चीज की चर्चा होना कितना इम्पोर्टेंट है, और यदि आप इसको कंटेम्परेरी इशू के साथ जोड़कर देखें तो संसद में प्रधान सेवक का क्या काम होता है। संसद में जो चर्चा होनी चाहिए, जो बहस होनी चाहिए, उसको करवाने में सहयोग करें। यहाँ पर वे हर चीज का इनॉग्रेशन करने पहुंचते हैं, प्रधान सेवक हर चीज का क्रेडिट लेते हैं, लेकिन जनता के प्रति उनकी कोई जवाबदेही वो नहीं समझते हैं। मौजूदा प्रकरण जो संसद में चर्चा का चल रहा है, मणिपुर पर बहस को लेकर, उससे आप इस चीज को समझ सकते हैं कि संसद में चर्चा होना कितना इम्पोर्टेंट होता है किसी भी चीज को, किसी भी मुद्दे को लेकर। उसकी समावेशी उपलब्धि साहसिक, कठिन और देश के उद्धार की दिशा में आवश्यक थी। उसने गलतियों को स्वीकार किया और प्रगति के लिए उन्हें दूर किया। उसने आशा की पहली किरण जताई, जिसने भारत की गरीब फटेहाल जनता के लिए नया सवेरा ला दिया था। तो अंग्रेजों ने संसद में हुई चर्चाओं और बहसों में ये माना कि भारत को कंट्रोल करते वक्त उनसे कुछ गलतियां हुई हैं, उसे किस तरह ओवरकम किया जाता है, ये संसद में बहसों और चर्चाओं के दौरान उससे आउटकम्स निकले, जिसने यहाँ पर सुचारू रूप से ब्रिटेन का साम्राज्य स्थापित करने में सहयोग किया। तो यदि संसद में चर्चा ही किसी चीज पर नहीं होगी, विपक्ष की बात नहीं सुनी जाएगी, जनता के प्रति यदि प्रधान सेवक की कोई जिम्मेदारी ही नहीं होगी, जवाबदेही नहीं होगी, तो किसी भी चीज का हल निकल भी नहीं सकता है। देश जो है इसी तरीके से अराजक हालात में चलता चला जाएगा, आगे बढ़ता चला जाएगा, और ये हिंसा जो है एक राज्य से निकल के दूसरे, तीसरे, चौथे, पता नहीं और कितने राज्यों में फैल सकती है। कंपनी को जिन प्राचीन देशी आतंक के उन्मूलन का श्रेय दिया जाता है, उनमें गला घोंटकर मारने वाले पेशेवर जनजातियों, ठगों के समृद्ध व्यापार का उन्मूलन, तो मतलब जो बड़े बड़े व्यापारी थे और ठग से जिन्होंने अपना पैसा बनाया था, उन पर भी अंग्रेजों ने कंट्रोल किया, पर यहां पर अडानी अंबानी पर कोई कंट्रोल नहीं है। विधवाओं को जिंदा जलाने और कुष्ठ रोगियों को जिंदा दफनाने की प्रथा का उन्मूलन उल्लेखनीय है। उनकी चिंता के युगांतकारी तत्वों का जो संक्षिप्त वर्णन संसदीय अधिनियम 1784 के भाग 87 में उल्लिखित है, उसकी विफलता के किसी भी अंश को माफ नहीं किया जा सकता, जो कहता है पूर्व कथित प्रदेशों के किसी नागरिक को और महामहिम की प्रजा के किसी जन्मजात नागरिक को केवल उसके धर्म, जन्मस्थान, वंश, रंग आदि के कारण कंपनी में कोई स्थान, पद या रोजगार देने से अक्षम करार नहीं दिया जा सकता। तो यहाँ पर खिल्ली उड़ा रही हैं यहाँ के लोगों की मानसिकता की, भारतीयों की मानसिकता की, कि अंग्रेजों से वो अपराध हो गया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, कि किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति जो है वो अंग्रेजों में प्रशासनिक अधिकारी बन सकता था अंग्रेजी साम्राज्य में। ये सचमुच जाति बंधनों, दुश्मनी भरे झगड़ों और तानाशाहों से कुचले गए भारत पर एक बम गिरने जैसा था। तो यहाँ के लोगों की मानसिकता की खिल्ली उड़ाई है कैथरीन ने, ये कहते हुए कि उनसे जो गलती हो गई उसे माफ नहीं किया जा सकता। भारत में अंग्रेजों की इतने बड़े साम्राज्य होने के बावजूद
विफलता की सबसे बड़ी वजह यही चीज बनी कि उन्होंने सभी जातियों का वेलकम कर लिया नौकरियां देने में। मुक्त पश्चिमी विचारों का यह झटका आवश्यक रूप से परेशान कर देने वाले प्रभावों से रहित भी नहीं था। 1845 में सिख विद्रोह और 1857 में भारतीय गदर उसी प्रभाव के प्रत्यक्ष परिणाम थे जो छोटे नहीं थे। तो ये दोनों ही विद्रोह जो हैं वो धार्मिक विद्रोह थे, राष्ट्रीय विद्रोह नहीं थे। धर्म पर आंच आई थी इसीलिए ये विद्रोह हुए, राष्ट्र पर आंच आने पर ये विद्रोह नहीं हुए थे। भारतीय गदर के निष्कर्ष से ही इंग्लैंड ने अनुभव किया था कि अब समय आ गया है कि सरकार के अनुपयुक्त कंपनी संसदीय ढांचे को हटाकर और व्यवसायिक हित के द्वारा विशाल राज्य के नियंत्रण को समाप्त करके भारत का प्रशासन सीधे ताज के अधीन लाकर ही हितों को सुरक्षित रखा जा सकता है। तो ये हमने इसी बुक में पहले पढ़ा है कि सीधा जो है महारानी ने अपने हाथों में यहाँ की सत्ता ले ली, कंपनी के हाथों कंपनी का शासन जो है वो चला गया और महारानी का शासन यहाँ पर लगा दिया गया। ये कदम वर्ष 1858 में उठाया गया था। आखिरकार जीर्ण शीर्ण बीमार और बूढ़ी भारत माता एक दूसरी दुनिया के कगार पर खड़ी हो गई और उसने अपने सिर पर रखे एक कदम एकदम ही नए झंडे को नजरअंदाज किया। मतलब हर जगह ब्रिटेन का झंडा लहराने लगा। उसने उस दिन भी वह शपथ ली थी जो शपथ उसने आज ले रखी है और जो उसके लिए आज भी विशिष्ट है। समय के इतिहास में एक पीड़ित और एक गुलाम के रूप में उसे ये उम्मीद कैसे हो सकती है कि वे कैसे विश्वास कर ले कि उसका नवीनतम भाग्य विधाता उसके लिए रचनात्मक सेवा, लोकतंत्र और आम जनता की भलाई का उपहार लाया है। तो इन सब चीजों के ऊपर यदि आप को मैं क्वेश्चन दे रही हूं, उसे नोट डाउन कीजिएगा। क्या आजादी से पहले भारत एक राष्ट्र था? इसके ऊपर गूगल पर जरूर सर्च कीजिएगा और आपको क्या परिणाम दिखते हैं गूगल पर सर्च करने के दौरान वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगले एपिसोड की शुरुआत ही मैं इसकी चर्चा से करूंगी इस सवाल के। तो अब मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। लेकिन ये वीडियोस आपको इन्फॉर्मेटिव लगते हैं तो दूसरे प्लेटफॉर्म पर इन्हें शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद।